नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं क्या ये पूरी खबर है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी, हिमाचल में ये है नया दाम। घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में आग लगी है। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1076 रुपये तक पहुँच गया है, वहीं 3 रुपये तक मूल्य बढ़ा है। धर्मशाला में कमर्शियल गैस का सिलेंडर 2495 रुपये का बिक रहा है। कुछ दिन पहले ही कमर्शियल गैस के सिलेंडर में 102 रुपये का इजाफा हुआ था। अब घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में महंगाई ने आम आदमी को निचोड़ कर रख दिया है। तेल कंपनियों ने 13 दिनों बाद ही सिलेंडर के दामों में वृद्धि की थी और अब फिर से इजाफा कर दिया गया है। बीते 7 मई को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये बढ़ाए जाने के बाद अब एक बार फिर दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 3 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम आदमी को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। आम आदमी की समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे ज़्यादातर लोग अपने घरों में सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने एक के बजाय दो दो अतिरिक्त सिलेंडर विभाग से ले रखे हैं, लेकिन अब वो सिलेंडर खत्म होने पर ही गैस भरवा पा रहे हैं, अन्य सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में LPG सिलेंडर के मूल्यों में फिर से आग लगी है। तो घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1076 रुपये तक पहुंच गया है, वहीं 3 रुपये तक की मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।